हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज मैं फिर से आ गया हूँ रांची के एक सेकेंड हैंड कार मार्केट में। यहाँ पर आपको बहुत सी गाड़ियाँ जो है सेकेंड हैंड अवेलेबल है, जो कि कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर वैगनार भी है और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आप खड़ी है। तो ये सारी गाड़ियाँ सेल के लिए हैं, जो कि सेकेंड हैंड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि सारी गाड़ियाँ किस प्राइस में मिलने वाली है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, आप इसमें कितने प्राइस में आप इसे ले सकते हो, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर खड़े हैं हमारे मोहन जी, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, जो कि गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, किसका क्या प्राइस है, आप इसे कितने में ले सकते हैं, वो सारा कुछ ये भैया जो है बताने वाले हैं। तो भैया, सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी से स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी से आप बताइए कि गाड़ी का प्राइस क्या है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, फर्स्ट ऑनर है, सेकेंड ऑनर है, वो सारा कुछ आप बताइए। देखिए सर, ये इको स्पोर्ट है, फोर्ड की जो गाड़ी है ना, ये चली हुई है 1,21,400 चली हुई है, 2018 का मॉडल है। अच्छा। फर्स्ट ओनर है इस गाड़ी का और आपका इसका जो प्राइस है ये 6,40,000 प्राइस है। 6,40,000 रुपये इसका प्राइस है और ये डीजल वेरियंट में। अच्छा अच्छा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, यहाँ पर गाड़ी का सारा कुछ मेंशन किया गया है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2028 मॉडल है, 1,21,000 किलोमीटर चल चुकी है, डीजल है और प्राइस जो है भैया लोग डिमांड कर रहे हैं वो है 6,40,000 रुपया। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का कुछ कंडीशन दिखा देता हूँ, तो आप गाड़ी का कंडीशन कुछ देख लो, कुछ इस टाइप का है। टायर की बात करें तो टायर भी बिल्कुल न्यू है और ये मुझे लग रहा है कि ये टॉप मॉडल है, ये गाड़ी टॉप मॉडल है, जैसा कि आप एलॉय व्हील देख सकते हो। पीछे का टायर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पीछे का टायर देख लो, पीछे का टायर भी बिल्कुल न्यू जैसा है। और हम अभी हम लोग इंटीरियर में भी चलेंगे, फिलहाल मैं आपको बाहर से पहले दिखा दे रहा हूँ गाड़ी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, टायर बिल्कुल नया है, गाड़ी टॉप मॉडल है। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के ऊपर, तो ऊपर में आप देखोगे कि इस गाड़ी में सनरूफ भी दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी में पहले से सनरूफ भी है। तो ये गाड़ी जो है बिल्कुल टॉप मॉडल है और अभी मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर आकर सबसे पहले आप इसका कुछ इंटीरियर देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके सीट से, तो सीट देख लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सीट अभी तक है और ये बिल्कुल लेदर वर्क किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। साइड वाली सीट भी बिल्कुल कंडीशन में है और जैसा कि मैं आपको पीछे साइड दिखाऊं तो सीट जो है बिल्कुल कंडीशन में है। अब बात करेंगे इसके फ्रंट की, तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको अंदर चलकर दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप इसमें इंटर करोगे और यहां का मैं लाइट ऑन कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, गाड़ी में आपको लगभग 7 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर मिलने वाला है और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर काफ़ी शानदार है, बिल्कुल क्लीन है और यहाँ पर आपको सनरूफ भी दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिलने वाला है। और यहाँ पर आप कुछ होल्ड वगैरह कर सकते हो, अपना चश्मा वगैरह वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी हम लोग बात करें तो गाड़ी जो है मुझे बिल्कुल कंडीशन में लग रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। सो अब हम लोग दूसरी गाड़ी को देखते हैं और भैया बताइए इस गाड़ी के बारे में। देखिए, मारुति सुजुकी का एस क्रॉस है और ये जो गाड़ी है फर्स्ट ओनर रिव्यू है, 2016 की गाड़ी है। तो गाइस, ये जो गाड़ी आपको मिलने वाली है ये है 5,50,000 में आपको मिल जाएगी और जो भी मेरे थ्रू आएंगे हो सके उनको यहाँ से डिस्काउंट भी दिया जाएगा। गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2016 मॉडल गाड़ी है। तो बाकी हम लोग बात करें इसके टायर की, तो आप टायर देख सकते हो, C8 का टायर दिया गया है और जो कि बिल्कुल कंडीशन में है टायर। फ्रंट टायर जो है बहुत अच्छा है, साथ ही आपको एलॉय व्हील भी यहाँ पर मिलने वाला है। अभी हम लोग गाड़ी के अंदर भी चलेंगे, पहले मैं गाड़ी का पूरा आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ, कहीं से गाड़ी आपको स्क्रैचेस वगैरह इस गाड़ी में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसका इंटीरियर भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर इसमें इंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया गया है। साथ ही हम लोग इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सीट की, तो सीट कवर देख लो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लेदर वर्क है, कंपनी फिटेड सीट कवर है। यहाँ पर आपको एस क्रॉस लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बाकी को पायलट सेट की भी सीट देख सकते हो और पीछे सेट भी आप सीट देख सकते हो, बिल्कुल कंडीशन में है। बात करें इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले भी मिलने वाला है 5 इंच का लगभग और आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। गाड़ी फुल कंडीशन में है, बिल्कुल ही न्यू गाड़ी है। और स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें आपको सारा कुछ यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल यहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको यहाँ आर्म रेस्ट भी मिल जाता है इस गाड़ी में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
तो ये रहा एस क्रॉस, और ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मारुति सुजुकी की गाड़ी है। इसका माइलेज लगभग कितना होगा? माइलेज इसका आपका 20 आसपास का माइलेज, 20 के आसपास ये आपको माइलेज दे देगी। तो अब हम लोग कौन से गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं? ये हम लोग का डेमो है, ये फॉक्सवैगन का हम लोग का खुद का इसका डीलरशिप है। डीलरशिप है, हाँ। तो ये कब की गाड़ी है? ये भी सेल के लिए है ना? हाँ, ये जनवरी, ये 2023 की गाड़ी है ना, और ये डेमो गाड़ी है जिसको हम लोग डेमो के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी इसको हम लोग सेल के लिए भी रखे हुए। अच्छा, ये आप इसे टेस्ट ड्राइव वगैरह देते थे? हाँ हाँ। तो गाइस ये गाड़ी आप देख लो, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो गाड़ी है चली हुई गाड़ी नहीं है, इसका मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब भी आप शोरूम में जाते हो ना, तो वहाँ एक गाड़ी होती है टेस्ट ड्राइव के लिए, ये वही गाड़ी है। टेस्ट ड्राइव वाली भी गाड़ी यहाँ पर बिकने के लिए अवेलेबल है, और सच बताऊँ तो यार ये गाड़ी बिल्कुल ही नई लग रही है, बिल्कुल ही नई, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव है, डेमो गाड़ी है। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो टेस्ट ड्राइव लेते हो, तो वो जो गाड़ी होती है ना, हो सके अगर नहीं बिकती है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉक्सवैगन की टाइगोन है, और यहाँ पर आप इसकी वेजिंग देख सकते हो, ये है, ठीक है। आप पीछे से भी देख लो, गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये जानकर कि यहाँ पर आपको वो भी गाड़ी मिल जाएगी जो कि कंपनी की डेमो गाड़ियाँ होती है, जिसमें आपको क्या है कि ये यहाँ पर आपको बहुत सस्ता प्राइस में ये चीज़ आपको मिलने वाला है। तो हम लोग इसका इंटीरियर दिखा सकते हैं ना? तो गाइस मैं आपको इसका इंटीरियर सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका इंटीरियर क्या है, यार फर्स्ट क्लास। मुझे यहाँ पर ये जो गाड़ी लग रही है ना, सबसे बेस्ट मुझे बेहतरीन यही गाड़ी लगी। वेंटिलेटेड सीट है। अच्छा, मैं अभी गाइस आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके सीट की बात करेंगे, जैसा कि हम लोग सभी गाड़ियों में कर रहे थे। तो आप सीट देख सकते हो बिल्कुल कंडीशन में है, लेदर वर्क किया गया है पूरी सीट में, और ये जो सीट है ना, ये वेंटिलेटेड सीट है, ठीक है, जो कि आजकल की गाड़ियों में बहुत चल रहा है वेंटिलेटेड सीट। तो इस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको हेडरेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि आर्म रेस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सबसे पहली बात ना, कि फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 9 इंच का डिस्प्ले भी मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है गाड़ी। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पुश बटन दिया गया है स्टार्ट स्टॉप के लिए। बाकी गाड़ी जो है बहुत कंडीशन में है, जैसा कि भैया ने बताया कि ये डेमो गाड़ी है, मतलब कि आप समझ जाओ कि जिससे आप टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, ये वही गाड़ी है। यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिलने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस गाड़ी में यहाँ पर सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी गाड़ी यहाँ पर बिक्री के लिए अवेलेबल है। ये गाड़ी रियली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर आपको इंजन वगैरह स्टार्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो गाइस इंजन स्टार्ट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अलाउ यहाँ नहीं है इंजन स्टार्ट करना। बाकी आप यहाँ पर कुछ इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। तो ये गाड़ी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी गाड़ी में। तो यार ये देख लो, ये गाड़ी रियली सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब हम लोग किस गाड़ी की बात करने वाले हैं? ये होंडा जेज है, जो 2016 की गाड़ी है, और ये जो चली हुई है गाड़ी मात्र 38,288 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और इसका जो है प्राइस रखे हैं हम लोग 5,20 का। फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है। इसका जो इंजन है से लेकर के इंटीरियर तक बिल्कुल का बिल्कुल नया कंडीशन में ही गाड़ी, बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। तो गाइस इसका आप कुछ बाहर से लुक देख लो। गाड़ी का प्राइस है 5,20,000 के आसपास, और ये लगभग 2016 मॉडल गाड़ी है, 38,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके टायर की बात कर ले तो यहाँ पर आप इसका टायर भी देख सकते हो, बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और हम लोग चारों टायर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, चारों टायर बिल्कुल नया है इसका, ठीक है। और हम लोग इसके इंटीरियर को दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। सीट की बात करें तो सीट भी आप यहां पर देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। इसमें कोई भी कवर नहीं लगाया गया है सीट में, आपको लगाना होगा। बाकी आप गाड़ी देख लो, बिल्कुल कंडीशन में लग रही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, तो जिसका डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये गाड़ी जो है शुरू से ये आपको देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है, जैसा कि आप इसका टायर भी देख सकते हो। यहाँ पर टायर देख लो, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको चारों टायर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, ठीक है, बैक साइड की जो टायर है वो भी बिल्कुल इसी तरह है कंडीशन में।
ये गाड़ी देखा जाए तो ये गाड़ी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2015 मॉडल है, लगभग 35,500 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल इंजन है और इसका जो प्राइस भैया लोगों ने रखा है वो है 5,15,000। और अगर आप यहाँ पर आते हो, मिलोगे, बात करोगे तो प्राइस जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। तो लगभग 5,00,000 में आपको स्विफ्ट डिज़ायर मिल जा रहा है बिल्कुल कंडीशन में, तो काफ़ी अच्छा है। और ये कौन सा मॉडल है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है ZXI मॉडल जो कि यहाँ का टॉप मॉडल होता है। मारुति सुजुकी जो भी रखते हैं उनको पता होगा कि ZXI जो है इसका टॉप मॉडल है। तो टॉप मॉडल आपको गाड़ी मिलने वाला है 5,00,000 रुपये में। और इसके इंटीरियर में हम लोग चलते हैं और इंटीरियर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो इंटीरियर देख लो आप, बिल्कुल कंडीशन में है, सीट जो है बिल्कुल कंपनी फिटेड है, लेदर वर्क किया गया है सीट में भी। और इंटीरियर की बात करें तो आप इंटीरियर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें आप सारा कुछ यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह को देख सकते हो, बजा सकते हो। बाकी इंटीरियर देखा जाए, डैशबोर्ड वगैरह तो काफ़ी कंडीशन में है, कुछ वुडन वर्क भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को जो कि इसके लुक को इन्हेंस करती है। तो ये रहा आपका ब्रेज़ा का रिव्यू, कैसा लगा? ठीक है, यहाँ पर आपको इंजन स्टॉप स्टार्ट बटन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है स्विफ्ट डिज़ायर ZXI मॉडल, बिल्कुल कंडीशन में है गाड़ी, और अगर आप इसे लेना चाहते हो तो यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब हम लोग चलते हैं दूसरी गाड़ियों में और वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए या कौन सी गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है, वो सारा कुछ हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर ये भी गाड़ी है सेंट्रो, यहाँ पर है सुजुकी की गाड़ी है, बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। तो भैया हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए सेंट्रो है, 2006 की मॉडल है और 71,000 चली हुई है, पेट्रोल वर्सन है, 1,30,000 प्राइस है गाड़ी, मात्र 1,30,000 रुपये में आपको सेंट्रो मिलने वाली है, 2006 मॉडल का यही गाड़ी है, 71,000 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल है। तो इसका इंटीरियर मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देख लो गाइस, इंटीरियर भी ठीक है, अगर आपको 1,30,000 में ये गाड़ी मिल जा रही है तो अच्छा गाड़ी है, टायर भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है। ये कौन सी गाड़ी है? सेलेरियो है, ये है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। ठीक है, और ये जो चल चुकी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2016 मॉडल है, 58,000 किलोमीटर चल चुकी है, फ्यूल है पेट्रोल और प्राइस जो है 3,10,000 रुपया रखा गया है। तो इसका टायर की बात करें तो टायर भी कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाकी हम लोग इसके इंटीरियर को, इसका जो चाबी है यहाँ नहीं है, लेकिन इंटीरियर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अच्छा है, आप बाद में आकर इसे देख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये कौन सी गाड़ी है? पोलो है, फॉक्सवैगन की। फॉक्सवैगन की ये पोलो है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2013 मॉडल है, 81,000 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल है और 2,90,000 रुपया प्राइस रखा गया है। टायर वगैरह जो है देख लो आप, बहुत कंडीशन में है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आकर इंक्वायरी कर सकते हो। ये कौन सी गाड़ी है? ये स्विफ्ट डिजायर है, 2017 की है, डीजल मॉडल में है। ये गाइस फिर से देख लो आप स्विफ्ट डिजायर, क्योंकि इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, 2017 मॉडल है, 72,000 किलोमीटर चल चुकी है, डीजल है और 5,50,000 रुपये इसका रेट रखा गया है। टायर की बात करें तो टायर बिल्कुल कंडीशन में, आप जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, गाड़ी भी मुझे कंडीशन में लग रही है, आप यहाँ आओगे तो प्राइस जो है थोड़ा सा निगोशिएबल हो जाएगा। बाकी ये कौन सी गाड़ी है? होंडा सिटी है। ये है गाइस होंडा सिटी, देख लो, ये है झारखंड रांची का नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2015 मॉडल है, लगभग 49,000 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल है और 5,40,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। बात करें टायर की तो यहाँ पर आप टायर देख सकते हो, बिल्कुल कंडीशन में है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आपको टायर दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल न्यू टायर है। ठीक है, बैक साइड की बात करें तो बैक साइड का भी टायर बिल्कुल न्यू है। और इंटीरियर की बात करें तो आप यहाँ पर इंटीरियर इसका देख सकते हो, सीट में सभी गाड़ियों की सीट भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सीट देखा जाए तो बिल्कुल लेदर वर्क किया गया है सीट में, और बैक साइड की सीट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है बैक साइड में भी। ठीक है, और इंटीरियर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जैसा कि आपको ब्लू कलर्स की लाइट यहाँ पर मीटर में दिख रही होगी, तो काफ़ी प्रीमियम लुक है गाड़ी का, इसका डैशबोर्ड जो है काफ़ी प्रीमियम है, तो आप यहाँ पर आकर के इसे अच्छी तरह देख सकते हो। बाकी हम लोग बात करने वाले हैं अब, ये कौन सी गाड़ी है? ये है आपका फोर्ड एस्पायर है, ये फोर्ड की गाड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑनर है, 2016 मॉडल है, 38,000 किलोमीटर चल चुकी है, डीजल है और 4,25,000 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। 25 आसपास का माइलेज है गाड़ी का, 25 के आसपास का इसमें माइलेज आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। टायर की बात करें तो टायर भी देख लो कंडीशन में है। और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, 2017 मॉडल गाड़ी है,
लगभग 53,000 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल है, और इसका प्राइस यहाँ पर रखा गया है 5,50,000 रुपया। अगर आप आओगे मेरे चैनल को दिखाओगे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया जाएगा। गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गाड़ी का जो अभी ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 10,000 रुपये 10 लाख रुपये हो गया है। और ये टॉप मॉडल गाड़ी है। इसकी टायर की बात करें तो आप यहाँ पर टायर देख सकते हो, एलॉय व्हील इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख लो इसका इंटीरियर। सीट की बात करें तो सीट जो है कंपनी फिटेड मुझे लग रहा है, लेदर वर्क किया गया है सीट में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ 5 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, और गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये रहा कुछ बलेनो का, अगर आप बलेनो लेना खोज रहे हो तो आप इसे ले सकते हो। इसका माइलेज लगभग कितना होगा? माइलेज इसका 20 प्लस का है। इसका माइलेज जो है आपको लगभग 20 प्लस मिलने वाला है। ये है बलेनो 2017 मॉडल, और ये टॉप मॉडल गाड़ी है, ठीक है। और अब हम लोग फिर से बात कर लेते हैं ये गाड़ी के बारे में। ये कौन सी गाड़ी है? फोर्ड, फोर्ड 2015 की गाड़ी है, इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट्स 2015 मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको टायर दिखा दे रहा हूँ, और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2015 मॉडल है, 1,11,000 किलोमीटर चली है, डीजल है, 5,90,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। तो आप इसे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। बात करूँ तो इसके इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसका इंटीरियर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, सीट भी बिल्कुल न्यू है, कवर किया हुआ है, और इंटीरियर भी काफ़ी इसका अच्छा है। और यहाँ पर सबसे न्यू गाड़ी जो है लगी हुई, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है यहाँ की सबसे न्यू गाड़ी, टॉप मॉडल गाड़ी है, रेनॉल्ट गाड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। रेनॉल्ट की जो किगर गाड़ी आई थी वो है, ठीक है। इसके आप एलॉय व्हील को देख लो, टायर देख लो, बिल्कुल न्यू है, चारों टायर बिल्कुल न्यू है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लगभग 7 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, और सीट की बात करें तो सीट भी बिल्कुल न्यू है, जो कि लेदर वर्क इसमें किया गया है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट बटन जो है वो स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको पुश बटन मिलने वाला है। इसमें आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आजकल न्यू गाड़ियों में आ रहा है। तो ये है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, ईयर है 2023 मॉडल है, जो कि लगभग लास्ट ईयर ही खरीदी गई थी। 12,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है, पेट्रोल है, और 7,10,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल सही डील रहेगी। देख लो गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल न्यू है, अगर आप लेनी चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल न्यू है। होता है कभी कभी कुछ लोग ले लेते हैं गाड़ी, फिर सोचते हैं कि हमें कोई और गाड़ी चाहिए, तो वो लोग फिर यहाँ पर आकर सेल कर देते हैं। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं इसका लोकेशन जो हूँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट करके आ सकते हो, और मैं भैया का नंबर भी दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके गाड़ी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। इनका बिहेव काफ़ी अच्छा है, आप इनसे बात करके सभी गाड़ियों की जानकारी कभी भी आप ले सकते हो। यहाँ पर हर एक कंपनी की गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी कम प्राइस में। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।